भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के जिला कार्यक्रम समन्वयक को सभी विभागों के अधिकारियों की जिला कलेक्टर शिव प्रसाद निकाते ने बैठक ली, जिसमें जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को मानसून आगमन से पूर्व वृहद व्यवस्थित कार्य योजना तैयार करने के निर्देश प्रदान की। इस कार्य योजना में वृहद वृक्षारोपण अभियान का कार्य को लेकर गहन चर्चा की गई। बैठक में नगर विकास न्यास, नगर परिषद, शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी, ICDS व पंचायत राज विभाग के विकास सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद काते ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मानसून को लेकर वृक्षारोपण अभियान चलाया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों, चरागाह, स्कूलों, आंगनबाड़ी और शमशान परिसरों में सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामचंद्र बैरवा ने कहा कि वृक्षारोपण की कार्य योजना 15 जून तक हम पूर्ण कर लेंगे। अभी हमने इसमें किसी भी विभाग को लक्ष्य प्रदान नहीं किए हैं, मगर प्रत्येक ग्राम पंचायत में करीब 500 से अधिक पौधे लगाए जाएं। इसके साथ ही इनकी सुरक्षा के लिए भी एक निगरानी टीम का गठन किया जाएगा, जो कि विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की निगरानी रखेगी। यदि कोई विभाग अपने लक्ष्य को पूरा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं राज्य सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार राज्य में बृहद वृक्षारोपण अभियान चालू होने जा रहा है। उसके संबंध में सभी सरकारी संस्थान जहाँ पे चार दीवारी है, उसके साथ ही चारागाह के क्षेत्र में, तालाब की पाल पर एवं स्कूल के अंदर, आंगनवाड़ी केंद्र, शमशान कब्रिस्तान इत्यादि जगह पे सघन वृक्षारोपण के साथ उनका संवर्धन और मेंटेनेंस भी किया जाएगा। उसके लिए विस्तृत कार्य योजना के संबंध में बैठक ली गई है। और अभी दूसरी लहर में सभी ने ये देखा कि ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत है, व्यक्ति को भी और पर्यावरण को भी। तो पर्यावरण को बचाएंगे तो मानव जीवन बचेगा, उसको दृष्टिगत रखते हुए हमें ये सोचने का समय आ गया है कि ऑक्सीजन हमें सिलेंडर से लेनी है मास्क लगा के या पेड़ से लेनी है। तो पेड़ जितने ज़्यादा लगाए, पेड़ जितने ज़्यादा बचाए, उतना ही प्रकृति का संरक्षण होगा और हमारे यहाँ पे बारिश का भी परिणाम अच्छा रहेगा और एक जो पूरा नेचर है उसका बैलेंस मेंटेन होने में मदद मिलेगी। टारगेट क्या रखा गया है सर इस बार पौधों? अभी टारगेट सभी से कार्य योजना ले ली है, 2-3 दिन के अंदर अंदर टारगेट हम आपको बताएंगे। जिले में, पूरे राजस्थान में 9 से 21 तक जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में इस संबंध में बैठक आयोजित की जानी थी। उस संबंध में आज बैठक आयोजित की गई थी, उसमें इसमें टाइम बाउंड प्रोग्राम उन्होंने जिला स्टेट स्तर से डिसाइड हुआ है, जिसमें वृक्षारोपण की कार्य योजना हम 11-6-21 तक डिसाइड कर लेंगे। विभिन्न स्तरों पे जो समन्वय हम सभी लाइन डिपार्टमेंटों से और पंचायत समितियों से या अन्य डिपार्टमेंटों से जो किस प्रकार से समन्वय करके इस कार्यक्रम को रूपरेखा बनानी है, उसकी बैठक भी हम प्रस्ताव लेते सभी से और 15-6-21 तक ये भी हम डिसाइड कर लेंगे। आवंटन के अंदर किसी को अभी अंतिम लक्ष्य तो नहीं दिए, लेकिन लगभग जैसे पंचायत राज में है तो हम प्रत्येक चाहते हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में सभी राजकीय भवनों में कम से कम 500 पौध लगा दिए जाए। इसके लिए भी इसका परीक्षण इसका निरंतर निगरानियां रखेंगे और इसका सुपरवाइजन हर बार होता रहेगा और इसका मंथली और जब भी मीटिंगें होंगी उसमें परीक्षण होगा इसका। और इसमें अगर कोई ब्लॉक है जो इसमें अपने टारगेट जो दिए जाएंगे उनसे कम रहेंगे तो उनको उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करेंगे।